दिल्ली में कल 1568 पॉजिटिव केस आए थे, जो पॉजिटिविटी थी 2.14%। पॉजिटिविटी एक टाइम पर 36% तक चली गई थी, जो धीरे धीरे कम होते हुए अब 2% के आसपास आ गया है। दो से इस आज जो बुलेटिन आएगा दो से भी थोड़ा कम होगा। पॉजिटिविटी भी कम है, नंबर ऑफ केसेस भी पहले से कम है। मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर लॉकडाउन की वजह से दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो भी अब बेड काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास खाली हैं। आईसीयू बेड्स भी अब लगभग आधे से ज़्यादा आईसीयू बेड भी खाली हो गए, आधे के करीब। तो आईसीयू बेड भी खाली होने काफ़ी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो पूरा का पूरा आईसीयू बेड अभी 2900 खाली है आउट ऑफ 6800, तो 33% के करीब हैं। बाकी बेड्स काफ़ी अवेलेबल हैं इस टाइम दिल्ली के अंदर। इस टाइम लग रहा है कि कोरोना थोड़ा कंट्रोल में है। सर, कोरोना के बाद एक ब्लैक फंगस माइक्रो, हाँ, इसके सर उसके कितने कल कितने मरीज है, टोटल नंबर अभी तक कितना? देखिए, 23 तारीख को लगभग 200 से ज़्यादा केस एक दिन में आए थे। कुल मिलाकर 600 के करीब केसेज दिल्ली में अभी तक आ चुके हैं। दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। दो दिन से थोड़े केसेज 23 तारीख के मुकाबले 2425 को जो केसेज आए हैं वो 100 से नीचे हैं प्रतिदिन, परंतु उससे पहले 200 से ज़्यादा आ रहे थे। सर कल कितने आ गए, एक दिन का नंबर? एक दिन का नंबर लगभग 70 करीब, उसमें से मतलब 1/3 दिल्ली के, 2/3 दिल्ली के, 1/3 बाहर के। सर दवाई की बहुत किल्लत है ब्लैक फंगस। देखिए, ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है, और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, और उसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिया। एक पेशेंट को 6 लगते हैं, तो हमारे को जैसे कल 370 मिले या 400 मिले, तो 400 में से तो कितने लोगों को लग पाएगा, 50-60-70 लोगों को लग पाएगा। 600 पेशेंट एडमिटेड हैं ऑलरेडी। सर क्या फिर इंतज़ाम आप लोग कर रहे हैं? कारण 3 हॉस्पिटल तो बना दिए हैं जहाँ पे इनका इलाज, नहीं देखिए इलाज कर रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे अस्पतालों के अंदर पेशेंट एडमिट हैं, प्राइवेट के अंदर भी, सरकारी के अंदर भी। समस्या बस ये जो इंजेक्शन है इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सर एक ये अभी तक थ्योरी थी कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं, स्टेरॉइड जिनको दिया गया है, ब्लड शुगर जिनमें ज़्यादा है, उन लोगों को ये ब्लैक फंगस होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको ये सारी समस्याएं नहीं है, स्टेरॉइड नहीं दिया गया, उसके बावजूद ये केस मिल रहा है। देखो इसके पीछे क्या है कारण, कुछ बता पाते? ये ना ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड और कोरोना और आपको डायबिटीज़ सारे होने चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं और कोरोना है, स्टीरॉयड नहीं भी दी तो भी आप रिस्क पे है। स्टीरॉयड देने से दो चीज़ें होती हैं, आपका शुगर लेवल शूट अप करते हैं और इम्यूनिटी कम होती है। तो स्टीरॉयड देने से दोनों चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। स्टीरॉयड नहीं दिए और शुगर अनकंट्रोल्ड है तो भी उतना ही रिस्क है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, कोरोना हुआ है आपको, तो जितने भी केस आ रहे हैं, मेरी पर्सनल नॉलेज में भी, वैसे भी लोगों से बात किया, सारे केस ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ है। पहली चीज़ तो ये कोरोना हो गया। अब कोरोना के बाद दो चीज़ें हैं, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो स्टीरॉयड नहीं लिए तब भी हो सकता है, और स्टीरॉयड लेने से क्योंकि शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो इसलिए चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्टीरॉयड लेने से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है स्टीरॉयड दिया जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, परंतु ऐसे केस ज़्यादातर आ रहे हैं जिनको स्टीरॉयड भी दी गए। सर जो शमशान और कब्रिस्तान में जो स्टाफ काम कर रहा है उनको अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया, उनका कहना है कि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि उन बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं कोरोना में, जो शवों का अंतिम संस्कार वो लगातार कर रहे हैं। ठीक है सर। सर एक सवाल उसको लेके था, मोहल्ला क्लिनिक क्या स्थिति है अभी, मोहल्ला क्लिनिक के ऑपरेशन के कितने चालू हैं? कारण कई जगह से ये आ रहे हैं कि बंद पड़े हैं। आपने देखो ये बीजेपी का प्रचार तो ना करें, बीजेपी लेके जो लॉकडाउन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई, पिछले 1.5 महीने से रुकी हुई है, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका काम रुक गया है। उसके अलावा 450 मोहल्ला क्लिनिक हमारे तैयार हैं जो चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट को एडमिट किया गया, वो OPD है, सबको पता है, जनता का तो पता है अच्छी तरह। OPD के अंदर एडमिशन नहीं होते हैं। कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट गए, ज़्यादा बुखार वाले पेशेंट जा रहे थे, उनको चेक किया जा रहा था, तो उनको कहते थे भाई आपको लगता है कि कोरोना टेस्ट कराओ, तो बहुत बड़ी उन्होंने सेवा की है। और मोहल्ला क्लिनिक अभी भी दिन रात काम कर रहे हैं। जिनकी बात आपने की है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और काम रुक गया है,
खुद रुका हुआ है? नहीं नहीं, अंडर क्वेश्चन है, हम हमारे यहाँ से कुछ रिपोर्टर्स गए थे, उन्होंने खुद देखा है जो चल रहा था बंद हो गया, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसका कोई डेटा गवर्नमेंट के पास कितने बंद हैं, कितने चल रहे हैं? नहीं, लगभग सारे चल रहे हैं, 10-15 को छोड़ के। 10-15 उसकी वजह की थी कि काफी जो उसमें डॉक्टर्स मान लो खुद इन्फेक्ट हो गए, पॉजिटिव आ गए, उसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए बंद हो सकता है। सर, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? 400 सेंटर यूथ के लिए जो थे वो बंद हो गए हैं, क्या आगे कुछ बात हो रही है, कब तक वैक्सीनेशन? देखिए, यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिलाई जाए। ग्लोबल टेंडर को लेके बात हो रही थी, क्या आप लोगों को कहीं और मिल पाया है, कहीं और उपाय? ये तो मजाक सा हो गया है ग्लोबल टेंडर ना, कि जी आपको क्या करा कि सारा कंट्रोल तो केंद्र सरकार का, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में अलाउड कौन से हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक, सब देंगे केंद्र सरकार की मर्जी से, कहते ग्लोबल टेंडर कर लो। अगर ग्लोबल टेंडर में कोई कंपनी आ भी जाती, पहली बात तो उन्होंने मना कर दिया, दो तीन कंपनियों ने तो हमसे भी कह दिया, मोडर्ना ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि भी हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम आपसे नहीं करेंगे। वो आ भी जाए तो अभी तो ऑथराइज ही नहीं है। ये तो क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाली बात है, कि उसको शिफ्ट कर दिया जाए कि आपने ग्लोबल टेंडर नहीं किया। तो पहले कैसे दे रहे थे बिना ग्लोबल टेंडर के? कोरोना भी, कोविशील्ड भी दे रहे थे, कोवैक्सीन भी दे रहे थे, अब ग्लोबल टेंडर कर लो, उन्हीं से ले लें, मतलब ग्लोबल टेंडर करके उन्हीं से ले लें। फिर सर, आईएमए की डेटा के हिसाब से टोटल 513 डॉक्टर्स की डेथ हुई है सेकेंड वेव में, जिसमें से 103 दिल्ली के है, तो उसके लिए देखिए बिल्कुल दुखद है। इस मैं कहता हूँ डॉक्टर क्या, किसी की भी डेथ होना बहुत ही दुखद है। दिल्ली के अंदर जो ये वाली वेव चल रही है, इस वेव में 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, तो एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई है इस वाली। सर, डॉक्टर्स को लेकर कोई ऐसा डाटा है कि कितने लोग?